किसी भी कंस्ट्रक्शन को करने से पहले बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ती है, और सावधानी बरतने के लिए कुछ कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर होते हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन के ऐसे प्रोसेस होते हैं जिनको अपनाना बेहद ही जरूरी होता है किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में। आज हम बात करेंगे ऐसे ही 12 कंस्ट्रक्शन प्रोसेस के बारे में जिन्हें अपनाने से आप एक अच्छा बिल्डिंग तैयार कर सकते हैं। क्या होते हैं वो 12 कंस्ट्रक्शन प्रोसेस, आइए जानते हैं। सब्सक्राइब कीजिए सिविल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले सबसे पहले डील होती है एक कंसल्टेंट और क्लाइंट के बीच में। कंसल्टेंट और क्लाइंट ये तय करते हैं कि उन्हें बिल्डिंग्स को किस तरह से स्टार्ट करना, कैसा दिखेगा बनने के बाद। ये सब डिसाइड होने के बाद सबसे पहला काम होना है ड्राइंग का अप्रूवल होना। ये ड्राइंग अप्रूवल जो वर्ड आ जाता है, यहाँ पर अप्रूवल हमारे अथॉरिटी के पास, नगर निगम के पास या जो गवर्नमेंट बॉडीज होती है, यहां से अप्रूवल मिलने के बाद कि हाँ भैया यहां पर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। इसके बाद इन 12 कंस्ट्रक्शन प्रोसेस की बारी आती है, जिसमें कि सबसे पहला है क्लियरिंग द ग्राउंड। आपको सबसे पहले जो आपका ग्राउंड है इसको क्लियर करना पड़ेगा, जितना भी वेस्टेज वहां पे पड़ा हुआ है, मलबा पड़ा हुआ है, डेब्रिस पड़े हुए हैं, डिस्पोजल आइटम्स पड़े हुए हैं, वेजिटेशन है, इन सबको साइट से रिमूव कराओ। ये है सबसे पहला कंस्ट्रक्शन प्रोसेस। इसके बाद आता है दूसरा कंस्ट्रक्शन प्रोसेस, वो है साइट लेआउट एंड स्टैकिंग। जब आपने साइट को क्लीन कर चुके हैं, उसके बाद अब यहां पर सेंटर लाइन लेआउट में दिए गए ड्राइंग के अनुसार कंप्लीटली आपको वो ड्राइंग में जो ग्रिड लाइंस दी गई हैं, इन ग्रिड लाइंस को प्लॉट के अंदर उतारना, और यहां पर जरूरत पड़ने वाली है आपको नेल्स की, थ्रेड के, स्टील टेप्स की यहां पर जरूरत पड़ेगी, हैमर्स की जरूरत पड़ेगी, यहां पर वाइट चूना की जरूरत पड़ेगी यहां पर, और जरूरत पड़ने वाली है यहां पर एक बेहतर स्किल्स की। ये बेहतर स्किल्स आपको बनाता है कि आप कितने अच्छे से वो जो ड्राइंग में प्रोसेस दिया गया है, आपको ग्रिड लाइंस दी गई हैं, उसको कितने बेहतर तरीके से आप प्लॉट में उतार पाते हैं। इस प्रोसेस को होने के बाद तीसरा प्रोसेस आता है एक्सकवेशन। एक्सकवेशन मतलब कि आपने जहां ग्रिड लाइंस मार्क किए हैं उनके सेंटर पॉइंट के आधार पे आपके कुछ एक्सकवेटेड पिट मार्क किए गए होंगे, उन एक्सकवेटेड पिट को आपको क्या करना है, एक्सकवेशन करवाना है। जनरली एक्सकवेशन की जो डेप्थ होती है ये आपको हर एक साइट पर अलग अलग रहेगी, क्योंकि ये सॉयल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के बाद फाइनलाइज की जाएगी कि आपके बिल्डिंग का लोड और सॉयल का नेचर क्या है, उस पर डिपेंड करेगा जनरली इसका डेप्थ। लेकिन जनरली 5 फिट से लेकर 9 फिट के बीच में इसका डेप्थ फाइनलाइज किया जाता है। इसके बाद आता है नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन प्रोसेस, जो कि है कॉम्पैक्शन एंड लेइंग ऑफ पीसीसी। अब आपको जितने भी एक्सकवेटेड पिट हैं वहां पर पीसीसी बिछाना रहता है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट, जो कि आने वाली फुटिंग के लोड को रेस्ट करता है, फुटिंग को एक बेहतर बेस्ट स्ट्रेटा प्रोवाइड करता है, एक हार्ड बेस प्रोवाइड करता है, जिसकी सहायता से आप यहां पर अपने फाउंडेशन वर्क को एग्जीक्यूट कर पाते हैं। साथ में जो आपकी सॉइल थी नीचे उसको पहले कॉम्पैक्शन जरूर करवा लें, क्योंकि वहां पर लूज मटेरियल बहुत सारा रह जाता है, इस प्रोसेस को एकदम ध्यान पूर्वक आपको कंप्लीट कराना रहता है। फोर्थ स्टेप कंप्लीट होने के बाद आता है पांचवा स्टेप, जिसमें बात होती है फाउंडेशन बनाने की, जिसमें बात होती है रीवायरिंग की, जिसमें बात होती है कॉलम के स्टार्टर पॉइंट बनाने की। जैसा कि आपने सुना होगा कि पीसीसी के बाद हम कवर ब्लॉक्स लगाते हैं, और उसके बाद लगाते हैं हम फुटिंग की मैश। ये फुटिंग मैश जब प्रोवाइड करेंगे एज पर जितना भी आपके ड्राइंग में डेटा दिया गया होगा उसके अकॉर्डिंग यहां पर हम मैश को प्रोवाइड करेंगे, लेकिन यहां पर जरूरत पड़ जाती है हमें सेंटर पॉइंट आइडेंटिफाई करने की। ये वही सेंटर पॉइंट है जो कि आपने सेकंड स्टेप ग्रिड लाइंस में कंप्लीट किया था, वो सेंटर पॉइंट आपको फिर से अचीव करना, और सेंटर पर आपको अपने फुटिंग की मैश रखनी, और फुटिंग की मैश के ऊपर कॉलम के रिवार करनी है, कॉलम को आपको खड़ा करना है, उसके बाद फाउंडेशन यहां पर कॉन्क्रीटिंग के माध्यम से कंप्लीट करवाना है, और फिर उसके बाद जरूरत पड़ती है आपको स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कॉलम, जिसे कहते हैं हम अपने लोकल भाषा में स्टार्टर। ये स्टार्टर क्या करता है, आपको फर्मा बनाना रहता है उस साइज का जिस क्रॉस सेक्शन का आपको कॉलम बनाना है, उस कॉलम के माध्यम से आपको इसका प्लम्बॉब के माध्यम से इसका लेवल लेना होता है कि आपने जो रॉड से जितना डिस्टेंस छोड़े हैं वो वर्टिकली स्ट्रेट है या नहीं, और फिर रेडी करवाना होता है आपको स्टार्टर। यहां से आप अपने कॉलम के स्टार्टिंग पॉइंट को प्रोवाइड करते हैं। अब बारी आती है 6th पॉइंट की, कॉन्क्रीटिंग ऑफ फाउंडेशन।
कि फाउंडेशन में हमने मैश लगा दी, जाली लगा दी, अब जरूरत पड़ती है वहां पे कंक्रीट करवाने की। अब कंक्रीट के लिए आप ड्राइंग में ये देखो कि कौन से ग्रेड का कंक्रीट वहां पे यूज करना है, ये आपके स्ट्रक्चर डिजाइन और एनालिसिस के आधार पे आइडेंटिफाई होगा कि कौन सा आपको ग्रेड फाइनलाइज करके अपने फाउंडेशन में डालना है। और वहां पर कंप्लीट पहले क्यूब टेस्ट जरूर करवा लेना स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करते हुए, तब जाके आप यहां पर करवा सकते हैं अपनी फाउंडेशन में कंक्रीट। अब बारी आती है सेवंथ कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर की। दोस्तों यहां से फाउंडेशन पार्ट में जैसे आपने दे दिया कंक्रीट, तो फाउंडेशन पार्ट में और भी मेंबर स्ट्रक्चरल मेंबर्स हैं, जैसे कि ग्राउंड बीम हो गया आपका, फुटे फाउंडेशन हो गया, कॉर पेडेस्टल कॉलम हो गया, लेकिन इनके बाद बारी आती है यहां पर कि डैम प्रूफ कोर्स और बिटुमिन प्रोवाइड करने की। ये डैम प्रूफ कोर्स आपके बिल्डिंग को बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से बचाने वाला है, क्योंकि जितना भी मॉइस्चर आपके बिल्डिंग में पहुंचने वाला है उसके साथ सीपेज जो कि आपको फ्री गिफ्ट और गिफ्ट मिलने वाला है, इन फ्री गिफ्ट से बचने के लिए, इन अनचाहे गिफ्ट से बचने के लिए आपको अपने बिल्डिंग के सब स्ट्रक्चर पार्ट में एक डैम प्रूफ कोर्स प्रोवाइड करना पड़ेगा कि फाउंडेशन से जितना भी सीपेज ऊपर पहुंचेगा उसको वहीं पर बैरियर बना के क्लोज कर दो और उसके ऊपर आप लगा दो यहां पर पेंट जिसका नाम है बिटुमिन कोट। ये बिटुमिन कोट की कोटिंग आपको करनी रहेगी जिससे आप सभी तरह के जितने भी वॉइड्स बचे हुए हैं उनको रोक दो यहां पर। अब आता है आठवां कंस्ट्रक्शन प्रोसेस, बैकफिलिंग यहां पर करवाना। आपने अपने प्लिंथ लेवल को अचीव करने के लिए एक पॉइंट तक पहुंच चुके हैं अपने ब्रिकवर्क की सहायता से, लेकिन अब यहां पर आपको सॉइल की फिलिंग करवानी पड़ेगी या जो भी मटेरियल आप यहां पर यूज करें, चाहे आप डस्ट यूज कर रहे हैं, आप मरूम यूज कर रहे हैं या आप यहां पर बजरी यूज कर रहे हैं, जिससे भी आपको यहां पर फिलिंग करवानी है जनरली सॉइल से की जाती है। सॉइल की फिलिंग करवा के उसको कॉम्पैक्शन करवाना रहेगा। कॉम्पैक्शन से जो बेस है जहां आप खड़े होते हैं आपकी फ्लोर आने वाला है वो फ्लोर नीचे धसे ना, इसलिए बेटर कॉम्पैक्शन आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, जिसके लिए आप 200 mm की ज्यादा की लेयर प्रोवाइड ना करो, जिससे आप एक अच्छा कॉम्पैक्शन प्रोवाइड करो विद द हेल्प ऑफ वॉटर। अब बारी आती है कि सॉइल फिलिंग करवा दी, कॉम्पैक्शन हो गया, अब इसके ऊपर ग्रिड स्लैब की बारी आती है। जनरली अमूमन देखा गया है कि कंस्ट्रक्शन साइट पर फ्लोर पीसीसी जस्ट प्रोवाइड कर देते, लेकिन यहां पर ग्रिड स्लैब यदि आप प्रोवाइड करोगे तो यहां पर आने वाला जो लोड है आपके फ्लोर पर वो धसेगा नहीं और आपके रिबारिंग की वजह से एक अच्छी स्ट्रेंथ आपके कॉन्क्रीट को मिल पाएगी, क्योंकि कॉन्क्रीट आपके कंप्रेसिव लोड में ही आपके स्ट्रक्चर को बचाएगा, इसलिए यहां पर ग्रिड स्लैब का देना भी जरूरी होता है। ग्रिड स्लैब जनरली जस्ट आपको बार प्रोवाइड करनी रहती है एक्स और वाई डायरेक्शन में, और इसकी सहायता से आप यहां पर ग्रिड स्लैब जरूर प्रोवाइड करें। अब दोस्तों बारी आती है 10वें कंस्ट्रक्शन प्रोसेस की, कि आपको कॉलम की रिवायरिंग और कॉलम का कंक्रीट प्रोवाइड करना है। ये कॉलम का कंक्रीट और रिवायरिंग करने के लिए आपको लैप लेंथ जो भी ड्राइंग में दिया गया है उसके अनुसार आपको लैप लेंथ, स्टिरप्स की कटिंग लेंथ और साथ में आपके जो बार लगने वाली उन बार की आपको कटिंग लेंथ निकालनी रहेगी। साथ में दोस्तों यहां पर आपको कंक्रीटिंग करवाने से पहले कवर ब्लॉक जरूर चेक करने हैं। कवर ब्लॉक चेक करने का तरीका वही है कि भैया पहले आप ये देख लो कि शटरिंग लगने से पहले दोनों के बीच में एक क्लियर कवर प्रोवाइड किया गया है नहीं किया गया है। 40 mm का क्लियर कवर आपको प्रोवाइड करवाना चाहिए जब भी आप कॉलम प्रोवाइड कर रहे हैं। 40 mm ये नहीं है फिक्स्ड हो गया भाई, 40 mm मिनिमम डिस्टेंस आपका कवर प्रोवाइड करने का, ये एज पर स्ट्रक्चर डिजाइनिंग और एनालिसिस चेंज वेरी भी जरूर करेगा, लेकिन 40 से कम नहीं प्रोवाइड करना कभी भी कॉलम के रिवायरिंग करते टाइम। इसके बाद आप डायरेक्टली कॉन्क्रीटिंग करवा सकते हैं अप टू स्लैब लेवल अपने कॉलम का। फिर बारी आती है इसके बाद ब्रिक वर्क करने की। देखिए 11th कंस्ट्रक्शन प्रोसेस है, आपको ब्रिक वर्क करवाना है अपने सुपर स्ट्रक्चर में। ये ब्रिक वर्क कराने का भी एक तरीका होता है, आपके पूरे बिल्डिंग में स्टेप बाय स्टेप ब्रिक वर्क कंप्लीट होना चाहिए। जैसे कि मैं बताऊं आपको, सुपर स्ट्रक्चर में एक सिंगल लाइन का ब्रिक वर्क प्रोवाइड करना है जिसको रंगत बोलते हैं। ये सिंगल लाइन का ब्रिक वर्क आपको एक आउटलाइन प्रोवाइड करेगा, बाउंड्री प्रोवाइड करेगा कि कहां पर आपको वॉल प्रोवाइड करना है। अब वॉल भी क्या होता है कि आउटर वॉल जनरली हम मोटा देते हैं, विड्थ ज्यादा देते हैं, लेकिन इनर वॉल की विड्थ हम कम देते हैं। ये क्यों ऐसा क्यों होता है? देखिए इनर वॉल जो होती है वो अंदर रहेंगी, जस्ट हमारे रूम को क्या कर रहा है, पार्टीशन प्रोवाइड कर रहा है कि जहां मैं खड़ा हूं ये रूम है, इसके बाजू में पैसेज है या इसके बाजू में टॉयलेट है, तो दोनों के बीच में एक बाउंड्री डिसाइड हो गई। तो इसलिए यहां पर हम छोटा ब्रिक वर्क देते हैं। अगर फॉर एग्जांपल जो ब्रिक वर्क हम आउटर में देंगे सेम विड्थ का यदि मैं इनर वॉल में भी कर दूं तो भैया हमारा स्पेस कम होने वाला है, जो कि हम बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। एक एक इंच भी कीमती है प्लानिंग के टाइम पर, तो एक एक इंच भी हम नहीं छोड़ेंगे। अब इनर वॉल जो होती है पार्टीशन वॉल, जिसको हम 100 mm के ब्रिक वर्क से प्रोवाइड कर दें, जिसको हम 4 इंची ब्रिक वर्क बोलते हैं,
और आउटर वॉल को जनरली हम 9 इंची का ब्रिकवर्क बोलते हैं यहाँ पर, इसको हमें प्रोवाइड करना है। अब ये स्टेप बाय स्टेप होगा, सबसे पहले आपका वन लाइन ब्रिकवर्क आएगा सुपर स्ट्रक्चर के लिए, देन आपका ब्रिकवर्क आएगा सील लेवल के लिए, फिर सील लेवल के बाद आपका आएगा लिंटल लेवल तक के लिए ब्रिकवर्क, और फिर आएगा आपका ब्रिकवर्क अप टू स्लैब बीम बॉटम तक का ब्रिकवर्क। बीच वाले जो पार्ट मैंने स्किप करें, यहाँ पर आपको कंक्रीट वर्क प्रोवाइड करना है, जैसा कि डैम प्रूफ कोड, सील बैंड कंक्रीट, लिंटल बीम, स्लैब बीम, ये आपको बीम प्रोवाइड करने हैं, जो कि है आपका 12वां कंस्ट्रक्शन प्रोसेस, बीम कॉन्क्रीटिंग और बीम रिवायरिंग। बीम कॉन्क्रीटिंग और रिवायरिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क और चैलेंज हो जाता है इंजीनियर्स के लिए, क्योंकि यहां पर जरूरत पड़ने वाली है आपको फॉर्मवर्क की। ये फॉर्मवर्क जो होते हैं, इनको बेहतर तरीके से प्रोवाइड करवाना, एक बेहतर तरीके से प्रोवाइड करना एक चैलेंज हो जाता है इंजीनियर के लिए, क्योंकि मैक्सिमम जब भी फेलर देखे गए हैं आपके कॉन्क्रीटिंग के टाइम पर, चाहे वो स्लैब की कॉन्क्रीटिंग टाइम पर हो, बीम की कॉन्क्रीटिंग के टाइम पर हो, जनरली देखा गया है कि जब एग्जीक्यूशन फेल होगा, एग्जीक्यूशन कमजोर होगा, तो आपका कॉन्क्रीट वर्क के दौरान फॉर्मवर्क फेल होना बिल्कुल ही तय है। इसलिए फॉर्मवर्क का चेक करना बेहद जरूरी होता है। मैंने काफी सारे वीडियो लेक्चर्स बनाए हुए हैं फॉर्मवर्क के रिगार्डिंग, सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सिविल गुरुजी का है, जिसमें आप जाकर फॉर्मवर्क के वीडियोज भी देख सकते हैं। इन सब के बारे में आपको मिलेगा बिल्डिंग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कोर्स में, तो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं मैं, और साथ में बिल ऑफ स्टील की क्वांटिटी, क्वांटिटी सर्वे, रेट एनालिसिस, बिलिंग इंजीनियरिंग, कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडरिंग, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सिविल गुरुजी एंड्रॉइड एप्लीकेशन आपके पास है, और www.civilguruji.com पर आपको विजिट कर सकते हैं। 9111012394 ये नंबर भी आपको दे रहा हूं, डायरेक्टली मेरे काउंसलर से आप बात कर सकते हैं। बने रहिए सिविल गुरुजी के साथ, ऐसे ही और इन्फॉर्मेशन वीडियो आप सभी लोगों के साथ लेकर आता रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।